ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7, फाइंड पी। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में ये डेटा दिया हुआ है, दिस इज द ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा ये दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पी, इसी को बताना है। और इस ग्रुप डेटा का जो मीन है वो 7 है बताया जा रहा है। जब आप क्वेश्चन इस क्वेश्चन को जब आप एग्जाम में लगाओगे तो आपको पहले तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना पड़ेगा, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको एक्स, ये जो क्लास मार्क्स है, एफ फ्रीक्वेंसी है, इसे आपको लिखना पड़ेगा। ओके, अब देखो मीन जब हम निकालते हैं, क्योंकि मीन दिया हुआ है तो मीन ही हमें अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मीन के थ्रू ही पी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो मीन इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है। अब मीन अपने आप को पता है 7, हम सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकाल लेते हैं। एक्स दिया हुआ है, एफ भी गिवन है, तो हमारे लिए आसान होगा इसकी वैल्यू निकालना और इसकी भी वैल्यू। ये सिग्मा एफ आई का मतलब कि इसको ऐड करके आपको लिखना है, और एफ एक्स जब आप निकालेंगे एफ आई एक्स आई तो उसको ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई आएगा यहाँ पे। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सो इनको पहले तो आप ऐड कर लीजिए, 3 to 5 5 to 3 8 एंड 8 to 10 3 to 13। अब इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पर एफ आई और एक्स आई आप लिखिए इसमें। सो 2 3 6 4 2 8 6 3 18 एंड इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 3p प्लस 3 6 18 एंड 2 10 20। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये 3p ऐड नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसके साथ क्या है, वेरिएबल, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे 3p। फिर प्लस सारे नंबर को ऐड करके हम लिखेंगे। अब देखो ये 18 18 36 है ना, 36 और 8 44 44 और 6 50 50 और 20 कितना हो गया 70। तो ये आ गया आपका सिग्मा एफ आई और एक्स आई और ये 13। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, मीन दिया हुआ है 7 और सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू 3p प्लस 70 अपॉन 13। 13 इधर आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 13 7 जा कितना होता है 91 एंड दिस इज द 3p एंड प्लस 70 70 इधर लाइए, सो 91 माइनस 70 इक्वल टू 3p। अब इसमें से माइनस करिए सो 21 आएगा इक्वल टू 3p, 3 से काटिए इसको 7, सो p की वैल्यू 7 आ गई। ओके, सो ऐसे क्वेश्चंस आपको दिए जा सकते हैं। और यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ आसान इन्होंने कर दिया है कि क्लास इंटरवल नहीं दिया, नहीं तो क्लास मार्क्स निकालने के लिए एक और कॉलम बनाना पड़ता था उसमें, है ना। इसमें डायरेक्ट एक्स आई दे दिया क्लास मार्क्स, तो ये आसान है। चलिए।